इस संडे तुम मेरे साथ मिसेस अनीस के घर चल रहे हो, उनकी बेटी की शादी है। अम्मी, मेरा क्या काम है वहां पर? आपकी दोस्त है आप, चाहे मैं क्या करूंगा वहां? हारिस, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी है ना। मैंने सुना है कि मिसेस अनीस की बेटी बहुत अच्छी है, फैमिली भी पढ़ी लिखी है, इनफैक्ट लोग हमारे लेवल के हैं। और देखो हारिस, तुमने मुझसे वादा किया था, बस मैंने कह दिया कि तुम मेरे साथ चल रहे हो तो मतलब चल रहे हो। ठीक है, चलूंगा मैं आपके साथ। दैट्स गुड। अम्मी को टालना बहुत मुश्किल है, क्या करूं? काश अनुषा एक बार मुझसे बात कर ले, तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लूंगा, फिर एक बार सब ठीक हो जाएगा। क्या उमा जानती है अनुषा और हमदान में जो चल रहा है? फारू, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि युसरा के साथ साथ हमदान की भी शादी कर। हमदान की शादी? तुम इतना हैरान क्यों हो रही? एक बेटी रुखसत होकर जाएगी तो दूसरी भी आकर घर आ जाएगी। नहीं, ऐसे ही, वो बस आपने इतना अचानक कहा कि मैं हैरान हो गई। सोच तो मैं काफी अरसे से रहा था, लेकिन अब फैसला कर लिया। चले, ये तो खुशी की बात है। कोई लड़की है आपकी नजर में? है तो नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी बहुत अच्छी बेटियां हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, कल्चर्ड हैं। से कोई एक सिलेक्ट कर लें। आप सिलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली मैं ही करूं। नहीं, मेरे ख्याल में हमदान का राइट है सिलेक्ट करने का, सारी जिंदगी उसी को गुजारनी, उससे पूछना तो जरूरी है ना। उसकी पसंद का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो अपनी जिंदगी का कोई गलत फैसला कर बैठे। वो कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकता, माशाल्लाह से समझदार है, प्रैक्टिकल है, अपनी लाइफ जीता है, उसको पता है सब। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या उसने तुमसे इस सिलसिले में कोई बात की? मुझसे बात क्यों करेगा? तो फिर इस मामले में तुम ना ही इंटरफेयर करो तो ज्यादा अच्छा है। वो मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी का फैसला मैं अच्छे से कर सकता हूँ, और उसे कोई एतराज भी नहीं है, मुझे पूरा यकीन। लाइट्स ऑफ कर देना, मुझे नींद आ रही है।